हे माँ, हे माँ, आपके इस गरीब बेटे की तरफ ध्यान दीजिए माँ। हे माँ, ध्यान दीजिए माँ, मेरे घर में आप विराजिए माँ। माँ, जय माँ। सेठ जी, ओ सेठ जी। क्या हुआ है, देख नहीं रहे हो, मैं पूजा कर रहा हूँ। अरे मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैं बाजार जा रहा था। अरे सुबह सुबह पैसा, ये तो कल सुबह ही तो तुम्हें 20 रुपए दिया बाजार जाने के लिए, और कितना चाहिए, क्या करोगे? बाजार से कुछ मांस लाना था मुझे। मांस? पागल हो गए हो क्या, इतना महंगा मांस कोई खाएगा क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो पड़ोस के यहाँ मांस बना था। अच्छा एक काम कर, ये सोयाबीन लेकर आ और अच्छे से खाना बना, देखना सोयाबीन ही एकदम मांस जैसा लगेगा खाने में। जा जा। हैं? मांस के बदले सोयाबीन? पिछले महीने घर खर्च में 200 रुपए ज्यादा हो गया था, इस महीने उस खर्च को मैनेज करना पड़ेगा, कल से सिर्फ दाल चावल बनेगा बस। आहा, मेरी कितनी मेहनत की कमाई है। पिताजी, ओ पिताजी, पिताजी। हाँ क्या हुआ, आ गया, बस अब पैसे चाहिए इनको भी। बोलो क्या बोलना चाहते हो, बोलो। पिताजी मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है पिताजी। अरे तो खड़े तो हो। ओहो मैं देख तो रहा हूँ तुम खड़े हो। उफ, अरे पिताजी ये खड़ा होना वो खड़ा होना नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ बाबा, मैं जानता हूँ खड़ा होना क्या होता है, मैं जानता हूँ। मैं खड़ा था इसलिए तो आज तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ क्यों आए हो ये भी मुझे पता है, पैसे चाहिए यही ना? हाँ पिताजी मुझे एक दुकान खोलनी है। उफ ये लो। हाँ 10 रुपया? अरे 10 रुपए में क्या होगा पिताजी, आप ही बताओ। मैंने अपना व्यवसाय 10 रुपए से ही शुरू किया था, तुम जाओ और इसी से ही कोशिश करो, और नहीं हो पाया तो अपनी माँ का गहना गिरवी रख कर पैसे का बंदोबस्त करना, जाओ। गहने गिरवी रख कर? तुमने कब मुझे सोने के गहने दिए हैं? हाँ कि गिरवी रख कर पैसे मिलेंगे, सब इमिटेशन है सब। टेंशन। उफ तुम दोनों ही टेंशन देकर ही मुझे बस मार दोगे ऐसा लग रहा है मुझे। मैं ये 10 रुपए से ज्यादा बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, तुमको जो करना है कर लो, जाओ। ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। रुको आगे आगे देखो क्या करता हूँ मैं। पैसे तो देने ही होंगे, कुछ तो बोलो। अरे जब तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो तो वो जो 10 रुपए दिया है वो वापस कर दो। शेठ जी हो गया है, पैसा दो। कितना हुआ? 20 रुपए। 20 रुपया? बाप रे इतना महंगा, दाढ़ी बनाने का 20 रुपया? शेठ जी अब मार्केट में यही भाव चल रहा है, आपको पता नहीं? अच्छा तुम जो बोलोगे हो जाएगा। हा? तुम जो बोलोगे हो जाएगा, कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगा। पहले तो 25 पैसे में होता था ये सब। अच्छा मैं तुम्हें 2 रुपए देता हूँ। हर बार एक ही बात बोलते रहते हो आप। ए माँ पिताजी को जरा समझाना, सबसे बहस करके आता है घर पे, मुझे सबका सुनना पड़ता है। अब हमसे ये सहन नहीं होता है समझे? हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो तुम सबको यहाँ पर बुलाया है। मेरे पास एक आइडिया है, सुन। तो फिर कल से काम शुरू। क्या भाई फिर से आए हो? मैं कल रात को सोते सोते यही सोच रहा था कि मैंने आपसे बहस करके बहुत ही गलत काम कर दिया है। सही रास्ते में आए हो भाई, सही रास्ते में आए हो। शेठ जी जुल्फे काट दूं? शेठ जी आपके सर पे सफेद बाल आ गए देखो। क्या बोल रहे हो, मेरे सर में सफेद बाल? वही तो देख रहा हूँ, आप बूढ़े हो गए शेठ जी, बूढ़े। ओहो क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? हाँ नहीं कुछ नहीं, सुबह बाल कटवा रहा था तो अचानक से मेरे सर पे सफेद बाल आ गया, मैं क्या बूढ़ा हो रहा हूँ? हाँ तुम ही बताओ, क्या मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूँ बताओ? ये क्या तुम्हारी आँखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ गई है, लगता है तुम सच में बूढ़े हो रहे हो। हाँ क्या बोल रही हो? सच कह रही हूँ, खुद ही देख लो शीशे में। मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है, जाती हूँ। देखता हूँ
कहाँ है कहाँ है? चेहरा भी तो ठीक है मेरा, कोई झुरियाँ भी नहीं पड़ी है, मतलब मेरी पत्नी। बेटा ओ बेटा, बोलिए पिताजी, मुझे क्यों बुलाया? ए, तेरी माँ बोल रही थी कि मेरे आँखों के नीचे काले धब्बे हो गए हैं, मेरे चेहरे पे भी झुरियाँ पड़ गई है। तू देख तो देख, कुछ ऐसा दिख रहा है? हाँ, माँ ने तो ठीक ही कहा था। सही बोली थी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे देख नहीं पा रहे हो तो आपके आँखों की रोशनी भी कम हो गई, आप अंधे हो गए पिताजी। अरे क्या पिताजी, आप सच में बूढ़े हो गए हो, मान लो आप। अरे तुझे तुझे क्या हुआ? आप मेरे हाथों से खाना खाते तो कितना अच्छा होता है ना? अब तो आप बूढ़े हो चुके हो तो कब खाना खाओगे क्या पता हमें। मालकिन ने बताया कि उम्र ज्यादा होने से आप खाना नहीं खा पाओगे। उठो संतोष बेटा, उठो उठो। कौन है वहाँ, कौन है, कौन है? मैं हूँ यमराज। यमराज, आप यहाँ क्यों? भाग्यवान भाग्यवान, उठो उठो। क्या हुआ तुम्हें, इतनी रात को क्यों बुला रहे हो? तुम देख सकती हो, देखो साक्षात यमराज यहाँ खड़े हैं। क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हो, कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। किसी को बुला के कोई फायदा नहीं है संतोष, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पे सतर्क करने आया हूँ, समझे? सतर्क क्यों, कोई समस्या आने वाली है क्या यमराज जी? समस्या नहीं, समस्या नहीं, ये ही दुनिया का नियम है, जन्म लिया है तो मरना होगा। तुम्हारी उम्र हो गई है संतोष, तुम्हारी जिंदगी का अंत आ चुका है, तुम्हारे पास सिर्फ एक साल है। आज से ठीक एक साल बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, इसी समय इसी दिन। जिंदगी की जितनी ख्वाहिश है उसे पूरा कर ले, जो भी ख्वाहिशें बची हुई हैं उसे जल्दी से पूरा कर ले, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ? एक साल में, बस बस एक साल में? यमराज नहीं, नहीं यमराज, नहीं यमराज जी, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आप ये, अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए यमराज जी? तो क्या सच में मेरे पास केवल एक साल है? कहाँ गए कृष्णा, आज खाने में क्या बना रहे हो? आज सोयाबीन बनाया है सेठ जी। अरे सोयाबीन कोई खाता है क्या? ये ले पैसा ले, पैसा ले, जा 2 किलो मांस ले क्या। 2 किलो मांस? 2 किलो मुर्गी के मांस के लिए इतना सारा पैसा नहीं लगेगा सेठ जी। अरे मुर्गी नहीं, बकरे का मांस ले आ, और कितना दिन जिंदा रहूंगा मैं। जा जा जल्दी जा, जा जल्दी जा। भाग्यवान, ये देखो तुम्हारे लिए सोने का गहना लेकर आया हूँ, देखो। अरे बाप रे, सोने के गहने। आज आज सूरज किस तरफ से उगा है जी? ओ पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने तुझे बुलाया, तू व्यवसाय करना चाहता था ना, ये ले पैसा, जा मन लगा कर व्यवसाय कर, जा। देखते देखते एक साल गुजर गया, आज ही के दिन, आज ही के दिन मुझे मरना होगा। ये पृथ्वी कितनी सुंदर है, काश कि मैं ये पहले समझ पाता। इस एक साल में मैं समझ चुका हूँ, जीवन के रहते ही जीवन का उपयोग करना चाहिए, और थोड़े दिन अगर मैं जिंदा रह सकता तो हे ऊपर वाले। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या स्वर्ग में हूँ या नरक में? यमराज कहाँ है, चित्रगुप्त कहाँ है? चित्रगुप्त, अरे क्या हुआ, किसे बुला रहे हो? ये क्या, तुम यहाँ पे
इसका मतलब मैं क्या, मैं जिंदा हूँ? हाँ, तुम क्यों मरने जाओगे? क्या हुआ है? हाँ, सपना देख रहे हो क्या? सुनो फिर। मैं हूँ यमराज। यमराज? जन्म लिया है तो मरना होगा। तुम्हारी उम्र हो चुकी है संतोष, अब तुम्हारे जीवन का अंतिम काल आ चुका है। अब सिर्फ एक साल बचा है। एक साल बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अच्छा, ये बात है, समझ गई। असल में ये एक साल तुमने कोई कंजूसी ना कर अच्छा काम किया है, इसीलिए शायद यमराज ने खुश होकर तुम्हारा आयु और एक साल बढ़ा दिया। मैं समझ गया भाग्यवान, मैं समझ गया। अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं जीवन में कभी कोई कंजूसी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। सबको खुश रखूँगा। सबको खुश रखूँगा। फिर तो तुम्हारी आयु और बहुत साल बढ़ जाएगी।